इसमें ले रहे हैं हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सब डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। बेसिकली मजीद कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं, सब डिसिप्लिन हैं टॉक्सिकोलॉजी के, सब डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, सब डिसिप्लिन, सब डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। अब सब डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी की बात करें ना, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है ना, हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी या फिर डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी। फर्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव वर्ड से ही शो हो रहा है कि इसमें बेसिकली क्या होगा, टेस्टिंग होगी केमिकल्स की। इन्वॉल्व्स टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स। इनिशियली इसमें बेसिकली डिटर्मिनेशन होगी एज टू वेदर और नॉट केमिकल इज टॉक्सिक, मस्ट बी मेड बी फॉर सेफ्टी। क्लियर है? इसमें क्या होगी, इन्वॉल्व्स टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स, इन्वॉल्व्स टॉक्सिसिटी ऑफ टेस्टिंग केमिकल्स। केमिकल्स को रिपीटेडली टेस्ट किया जाएगा ताकि उसकी टॉक्सिसिटी को हम लोग जो है ना वो देख सकें। ठीक है, इन्वॉल्व्स टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऑफ केमिकल्स। क्लियर है? टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जो है ना आमतौर पर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के ऊपर की जाती है। किसके ऊपर की जाती है टॉक्सिसिटी, कहाँ पे होती है? यूजुअली टेक प्लेस यूजिंग एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, यूजुअली टेक प्लेस एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, एनिमल्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी की। मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी, क्लियर? इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम करते हैं, तजिया लेते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस का। इसमें हम लोगों ने क्या देखना होता है, हम लोगों ने चेकआउट करना होता है एग्जामाइंस बायो केमिकल प्रोसेसेस का, बायोकेमिकल प्रोसेसेस का। अब किस तरह से बायोकेमिकल प्रोसेसेस का हम लोगों ने देखना है, बाय विच आइडेंटिफाइड टॉक्सिकेंट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइज्म। हम लोगों ने तमाम केमिकल प्रोसेसेस को चेकआउट करना है जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया है कि जो ये वाला जो स्पेसिफिक टॉक्सिकेंट है ना वो एक स्पेसिफिक पार्ट को जो है ना वो जानदार में जो है ना इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर अपने अंदर जो है ना रद्दअमल शो करेगा। हम लोगों ने किसको देखना है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस को देखना है जो कि डिफाइन करे होंगे, विच डिफाइंड विच आइडेंटिफाइड कह लें आइडेंटिफाइड, जो कि क्या करे होंगे, आइडेंटिफाइड करे होंगे टॉक्सिकेंट्स को, टॉक्सिकेंट्स को आइडेंटिफाइड करे होंगे, उनका क्या होगा, एक इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजम्स के ऊपर, हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजम्स। ठीक है, अगर से ये जो डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजिस्ट है ना वो कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके एजेंट्स को, टॉक्सिसिटी की एजेंट्स को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ये जो डिस्क्रिप्टिव टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं वो अपने जारी रखते हैं टॉक्सिसिटी के आइडेंटिफाई एजेंट के बारे में, ताकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म तलाश कर सके बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेंट्स के बारे में, ना सिर्फ ये कि बल्कि उनका मोड ऑफ एक्शन देख सके किसी भी जानदार के ऊपर कि किस हवाले से कौन सा जो है ना टॉक्सिकेंट, किस तरह से कोई जो है ना वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है ना कोई भी केमिकल जो है ना वो शो करता है किसी भी जानदार में के पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी। रेगुलेटरी टॉक्सी
टॉक्सिकोलॉजी, ये जो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी होती है ना, इसका ताल्लुक जो होता है ना वो असेंसिंग इन दी डेटा के साथ होता है, कि जो कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव या फिर मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी से जो है ना वो हासिल करते हैं, और इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं लीगल यूजेस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में, कि किस तरह क्या कानून स्पेसिफिकेशन फ्राम करता है इस केमिकल के इस्तेमाल के लिए या नहीं, या किस हद तक कोई भी जो केमिकल है ना वो इकोसिस्टम के ऊपर जो है ना अपना इफेक्ट शो करते हैं, क्या ये केमिकल जो है वो मार्केटिंग वैल्यूज रखेगा या नहीं। तो ये सारी की सारी जो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी के जो में आ जाते हैं वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव और मैकेनिस्टिक जो है ना वो नॉलेज में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए क्या लेना होता है, डेटा लेना होता है असेसिंग द डेटा फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव से और मैकेनिस्टिक्स से, क्लियर है। और इस पर क्या देखना होता है, बेसिकली लीगल यूजेस देखने होते हैं, लीगल यूजेस किसके देखने होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स के, स्पेसिफिक केमिकल्स के लीगल यूजेस देखने होते हैं कि किस हद तक जो है ना वो रिस्क पोस्ट करेगा, रिस्क पोस्ट करेगा इकोसिस्टम के ऊपर, कि सर्टन केमिकल किस तरह से जो है ना अपने इफेक्ट को शो करेगा, पोस्ट रिस्क पोस्ट ऑन इकोसिस्टम। मजीद ये कि क्या ये केमिकल जो है वो मार्केटिंग वैल्यूज रखेगा, हम लोग मार्केट में इसको बेच सकते हैं, मार्केटिंग ऑफ दीज केमिकल्स, क्लियर है। मैनी डिसिप्लिन कॉन्ट्रीब्यूट किए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि जो अंडरस्टैंड कर सकें टॉक्सिकोलॉजी को। इसमें हमारे पास इको टॉक्सिकोलॉजी है, फ्रेंसिक है, जीनेटिक टॉक्सिकोलॉजी है, टीराटोलॉजी है, कैंसर रिसर्च है, पेस्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजी है, एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी है, वेटरनरी टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, ये है पैटो टॉक्सिकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, ठीक है, एंड दे आर मच मोर, ठीक है ना। हर डिसिप्लिन जो है ना वो अपनी जो है ना स्पेसिफिक टॉक्सिकोलॉजी को या टॉक्सिसिटी को जो है ना वो शो करता है, तो उस लिहाज से जो है ना दे आर मच मोर मैनी ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, क्लियर है। अब बात करते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ये जो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी होती है इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉक्सिकेंट का जो इफेक्ट है ना वो इंडिविजुअल के ऊपर या फिर ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी जो है ना वो सिम्पटम्स के लिहाज से किस तरह से जो है ना वो इंटॉक्सिकेशन में किससे रिलेटेड है या किस तरह से उसका ताल्लुक होता है। इसमें क्या किया जाता है, एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, किसको एग्जामिन करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स को, इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स को। इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स को हम लोग जो है ना वो देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स को किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन इंडिविजुअल एंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर सिम्पटम्स रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन। तो अगर तो टॉक्सिकेशन हो गई है तो उससे रिलेटेड जो सिम्पटम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट किस हद तक एफिशिएंट है उसके बारे में हम लोग जो है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं, क्लियर है जी, ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट फॉर सिम्पटम्स
रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशंस, रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन। क्लियर है जी? अब बात करते हैं फ्रेंजिक टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से। किसके हवाले से? फ्रेंजिक टॉक्सिकोलॉजी। फ्रेंजिक टॉक्सिकोलॉजी, इसका जो ताल्लुक है ना वो मेडिकल और लीगल क्वेश्चन से के साथ है, जिसमें हम लोग देखते हैं किसी भी नॉन या फिर सस्पेक्टेड टॉक्सिकेंट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जो है ना वो क्वेश्चन की जाती है फ्रेंजिक टॉक्सिकोलॉजी में। इसका ताल्लुक किसके साथ है? मेडिकल लीगल क्वेश्चंस के साथ है। क्वेश्चंस इनका ताल्लुक किसके साथ होता है? किसी भी रिलेटेड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नाउन या फिर सस्पेक्टेड टॉक्सिकेंट्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टर्म्स, डेट इज रिलेटेड टू सब डिसिप्लिन्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, डेट इज द इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, इंडस्ट्रियल से ही है इनके ऑक्यूपेशनल, इनके पेशा वाना, जिसमें हम लोग देखते हैं किस तरह से जो है ना वो डिसऑर्डर्स जो है ना वो इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, वो तमाम इंडिविजुअल्स जो कि किसी ना किसी वर्क प्लेस के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं 8 से 12 आवर्स। स्टडीज की डिसऑर्डर्स, इसमें हम लोगों ने क्या करना है? डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है, और वो तमाम डिसऑर्डर्स जो कि किसमें पाए जा रहे हैं? इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन सा इंडिविजुअल जो कि क्या कर रहा है? एक्सपोज्ड हो रहा है हार्मफुल मटेरियल्स से। ये हार्मफुल मटेरियल कहाँ मौजूद है? ये हार्मफुल मटेरियल इसकी वर्क प्लेस पे मौजूद है, प्लेस ऑफ देयर वर्क। क्लियर है जी? दिस इज द इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी। ये था सब डिसिप्लिन्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव, मैकेनिस्टिक, रेगुलेटरी, क्लिनिकल, फ्रेंजिक और इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी के बारे में जो है ना हम लोगों जो ने स्टडी किया। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएँ, मैं आप लोगों को चंद जो है ना वो सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, उसके जो है ना वो नेम लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था इको टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, मजीद आ जाते हैं जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, टेराटोलॉजी, ठीक है, पेस्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजी है, एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी है, वेटरनरी टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, मजीद ये कि हिपैटोटॉक्सिकोलॉजी है। क्लियर? पैथोलॉजी है, साइटोलॉजी है, सेलुलर फिजियोलॉजी है, रिस्क असेसमेंट है, बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी है, बायोकेमिकल टॉक्सी
फार्माकोलॉजी है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, मेडिसिन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक साइंसेस है, ठीक है, इकोलॉजी है, इकोलो इकोलॉजी है हमारे पास, वेस्क्यूलो टॉक्सिकोलॉजी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं पल्मोंटो टॉक्सिकोलॉजी है, क्लियर है, फूड टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है। ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, ये सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉक्सिकोलॉजी को। ये क्या है बेसिकली, ये मैंने आपके सामने रखी है सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन्स जो कि क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। कोई एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मच मोर दैट आर इन्वॉल्व फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच।